दोस्तों नमस्कार, हम राजधानी में हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी में। हम ऐसे बस्ती में हैं जो पूरे शहर की गंदगी साफ करके खुद इतने झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं। आप समझ सकते हैं कितने तकलीफ़ों से ये यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पूरे शहर को साफ रखने के बाद इनके साथ क्या भेद, इनके साथ क्या होता है, इनको क्या सुविधाएँ मिलती हैं यहाँ पर। आपका स्वागत है, आप नाम बताइए अपना। राजू भारत। तो राजू जी बताइए, आपके मोहल्ले में हम आए हैं, आप पूरे शहर की गंदगी साफ करते हैं, आप शहर को साफ सुथरा रखते हैं, इसके एवज में आपको मिलता क्या है सरकार की तरफ से, आपके विधायक की तरफ से? अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसी यहाँ पर ही जो सफाई कर्मचारी, जो मालिन जो बस्ती है, ये मालिन बस्ती है, इन मालिन बस्ती में इनकी किसी तरह से कोई भी सुविधा नहीं है। ना तो इनके लिए यहाँ अभी जो इन लोग जो शहर की कूड़ा कचरा गंदगी को जो उठाते हैं, इनको ना ही तो कोई मेडिकल इनका कोई चेकअप किया जाता है। आज इनके साथ अगर इनके साथ कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो ये अपने आदि की इलाज कराने को इतने असमर्थ हैं कि इनको भागना पड़ता है कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। वैसा देखा जाए तो एक मालिन बस्ती है, यहाँ पर ही एक इनके लिए एक औषधालय होना ही चाहिए। अभी तक आपके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है? कुछ भी नहीं, लेकिन सरकार कहती है कि आपको 3 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिल रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात करती है, बहुत सारे विकसित हो गया, ये तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसके लिए सरकार बहुत सारी दावे करती है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? जब आप खुद देख रहे हैं सर, यहाँ कौन सा डिजिटल इंडिया है ना, यहाँ सब कोई मतलब नहीं है। सब बोला जाता है कि यहाँ के कर्मचारियों से ऐसा होगा वैसा होगा। भाई एक जो क्या बोलते हैं श्रम मंत्री जो बीच में थे भैया राजवाड़े, उन्होंने बोला कि सारे सफाई कर्मचारियों को लॉन्ग बूट क्या बोलते हैं हाथ का दस्तान दिया जाएगा, लेकिन वो भी आज तक किसी को नहीं मिला। ये सब बेकार की बात। दोस्तों आप देख सकते हैं शहर को साफ करने वाला पूरा परिवार, पूरा समाज, उनकी दशा और दिशा क्या है यहाँ पे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, काम करने जाती हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि शहर में इनके साथ क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या भेदभाव, क्या क्या सम्मान इनको मिलता है वहाँ पे, क्या नहीं मिलता, हम इनसे पूछेंगे। अपना नाम बताइएगा जी। नमस्ते, मैं लक्ष्मी हथगैया हूँ, मैं देवन नगर झाड़ू लगाने जाती हूँ, और मुझे झाड़ू लगाते हुए हो गया मुझे 14-15 साल। जब इतना 1800 रुपया पेमेंट मिल रहा था तब से मैं लगी हूँ और अभी तक कर रही हूँ। वहाँ पर हमें ट्रैक्टर दिया जाता है, ट्रैक्टर भी भरते हैं, मुक्कड़ उठाते हैं, नाली का कचरा उठाते हैं, जितना काम जो भी काम हमें दिया जाता है हम सब करते हैं। पूरे शहर की गंदगी आप साफ करती हैं, आपके साथ क्या सुविधाएं हैं आपके मोहल्ले में, सरकार ने आपको क्या क्या देके रखा है? कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर पानी भी नहीं है मेरे बच्चे को खेलने के लिए, स्कूल कुछ भी नहीं है। बीमार पड़ते हैं तो हमको कितना दूर दूर अस्पताल जाना पड़ता है, सबसे पहली बात बीमार, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कितना दूर जाना पड़ता है। पानी भी नहीं है, पानी का भी सुविधा, जब हम काम से आते थक के तो बस एक बोरिंग है उसी से बस भरते हैं। आप समझ सकते हैं टैंकर में एकदम लड़ाई और झगड़ा, आप समझ सकते हैं पानी, दोस्तों पानी की सुविधाएं नहीं है इस मोहल्ले में। अब आप समझिए सरकार आखिर चाहती क्या है, सरकार इनकी पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है साफ सफाई में और इनके लिए पानी तक की सुविधाएं नहीं है। दोस्तों मुझे बताइए, पानी भी नहीं है, मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए आप लोग जूझ रहे हैं यहाँ पे। हम देख सकते हैं आपके मोहल्ले में पूरी झुग्गी झोपड़ी है, आपको कुछ भी नहीं है, पानी टपकता होगा बरसात में, ठीक है, पूरी गंदगी हमें नजर आ रही है। आप क्या मांग क्या सरकार से चाहते क्या है आप? बस हमें रोटी कपड़ा और मकान दे दे और कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चों के लिए स्कूल्स भी नहीं है? कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, पानी नहीं है तो स्कूल का बात छोड़ दे, जब बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाने के लिए तो स्कूल तो बहुत दूर। आप काम कर रही हैं सरकार के लिए, आपको कुछ मेडिकल सुविधाएं, कुछ हॉस्पिटल कुछ अलग से भत्ता कुछ मिलता है स्पेशल? नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता, पेमेंट बस मिलता है वो भी 1.5 महीना में मिलता है, 2 महीना में मिलता है पेमेंट, 6000 बोलते हैं। शहर को साफ करने वालों का पेमेंट दोस्तों 6000 रुपये। बहुजन समाज के लोग हैं, दलित आदिवासी पिछड़े लोग हैं, आप समझ सकते हैं सरकार इनका इस्तेमाल करके शासन में कैसे आती है और इनकी सुविधाएं के रूप पे कुछ भी नहीं है, पानी तक की सुविधाएं नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं सरकार किस तरीके से भेदभाव करती है इनके साथ। हमारे साथ आप बहुत से बच्चे भी हैं यहाँ पे, बच्चे पढ़ने जाते हैं कुछ बेटा आपका? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यहाँ पे आपके अभी बताया यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे पानी भी नहीं है, ठीक है नहीं, आप कैसे करते हो?
से लड़ी झगड़ा कर पढ़ने लिखने वाले बच्चे टैंकर से पानी भरते हैं दोस्तों, आप समझिए। बहुत ही दुख की बात है, बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी टैंकर से पानी भरते हैं। आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बच्चा को रात को पढ़ने को नहीं मिलता है, लाइट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बच्चा कैसे पढ़ेंगे, लाइट नहीं रहेगा, बच्चा पढ़ेंगे कैसे, इतना अंधेरा जंगल। सरकार ने इनको हटाने के लिए नोटिस दिया, इनकी बस्तियों को हटाने के लिए नोटिस दिया। आप हमारे साथ आप देख सकते हैं एक नोटिस है सरकार का, जो इनके पूरे मोहल्ले को हटाने के लिए जुटी हुई है, जो समाज शहर का गंदगी साफ कर रही है, जो शहर को पूरे स्वच्छ रखती है, बीमारियों से दूर रखती है, उनके साथ सरकार इस तरीके से भेदभाव करती है। बहुत दुखदाई है, बहुत ही दुख की बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ पे सरकार को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं कि सरकार इसमें नंबर वन पाई गई है। डिजिटल इंडिया की बात करती है, स्वच्छ भारत की बात करती है, लेकिन जो वाकई में शहर और देश को जो साफ करते हैं उनकी दिशा ये है। आप देख सकते हैं इनके पीछे क्या हालत है। आशुतोष, नेशनल दस्तक, रायपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।